बुलिंग इज़ नॉट गुड, चाहे वो घर वालों से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो स्कूल दोस्तों से हो, चाहे वो कॉलेज दोस्तों से हो, बुलिंग इज़ नॉट गुड। बुली एक फेज होती है जहाँ पे लोग आपके ऊपर भद्दा कमेंट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपसे बात नहीं करते 1 साल 6 महीने के लिए, और आपको मिसट्रीट करते हैं, वो कहलाती है बुली। और वो आपके दिमाग पे भी असर करता है, आपके दिल पे भी असर करता है, आपकी स्टडीज़, आपकी हैबिट के ऊपर, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर। आप जब स्कूल में होते हो तब ये बुली होता है, आप जब कॉलेज में होते हो तब ये बुली होता है, मतलब लाइफ के हर एक स्टेज में आप बुली होते हो। 2100% नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कौन है वो, आप बुली होते हो, तो ये होता है बुली। तो बुलिंग के 4 स्टेज होते हैं, फिजिकल, वर्बल, सोशल, और जो चौथा होता है वो एक क्वेश्चन होता है कि कब, कैसे, क्यों और कहाँ आपके साथ बुली हुआ और किसने किया। पहले आते हैं फिजिकल बुली पे। तो फिजिकल बुली में आते हैं, इट इंक्लूड हिटिंग, किकिंग, पिंचिंग, स्पिटिंग, बाइटिंग, सॉरी। तो पहले स्टेप है फिजिकल बुली का, मतलब अगर आप फिजिकल बुली हो रहे हो तो कि आप ज़बरदस्ती मार खा रहे हो, लात खा रहे हो, मतलब आप पिटे रहे हो। दूसरा, इमिटेटिंग अनदर पर्सन, आप दूसरे पर्सन की नकल उतार रहे हो। तीसरा, रूड हैंड जेस्टर, गंदे गंदे, मीनलेस, मीन हैंड जेस्टर कर रहे हो उस बुली होने वाले एविडेंस पे, विक्टिम पे। और टचिंग अनदर पर्सन व्हेन दे डोंट वांट टू, आप टच हो रहे हो, या मोस्टली आप टच हो रहे हो जब आप नहीं चाहते तब। और बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग हर्ट, चोट लगने के आप डरते हो कि अगर मेरे को चोट लग गई तो क्या होगा। स्टीलिंग और डैमेजिंग पोजेशन, स्टीलिंग मतलब चुराना, डैमेजिंग मतलब पोजेशन, डैमेजिंग पोजेशन मतलब आपकी वो अदा, वो मूव, वो डिस्ट्रॉय कर देना बाय द पर्सन हु कर रहा है बुली। ये आते हैं वर्बल बुली के। पहला है अजीब और गरीब नाम, जैसे हो गया, मतलब अभी नाम नहीं लूँगा, समझ जाओ। दूसरा, टीजिंग समवन इन अ हर्टफुल वे, मतलब उसको इतना तड़पा दो कि वो डर जाए, दर्द के मारे। तीसरा, मेकिंग फन ऑफ समवन, मतलब उसका मजाक उड़ाओ। और बीइंग सार्कास्टिक इन अ हर्टफुल वे, कठोरता से भद्दा मजाक करना। और ऑफेंसिव कमेंट, इंसल्ट और जोक अबाउट समवन एंड देयर फैमिली बिकॉज ऑफ देयर रेस, कल्चर, रिलीजन, डिसेबिलिटी और इन सॉरी और सेक्सुअलिटी। और जैसे मान लो कि आप स्कूल में हो, स्कूल में आप लो कैटेगरी के बच्चे हो, आई एम नॉट सेइंग हो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग दैट अज्यूम कि आप लोग कैटेगरी के बच्चे हो, और जो आपके जो सीनियर साइड है, जो आपके जो बैचमेट है, उनको आप पसंद नहीं हो, तो वो आपके साथ ये ट्रीट कर रहे हैं। ये होता है वर्बल बुली का स्टेज नंबर, एक मिनट, स्टेज आप खुद लगा लो। और मीन कमेंट अबाउट समवन बॉडीज, और
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर वेट और हाइट, और किसी के वजन पर, किसी के मोटापे पर, किसी की हाइट पर, जैसे तू बहुत छोटा है, तू बहुत मोटा है, तू बहुत कान है, तू बौन है, तू ये है, तू वो है, और हर्टफुल कमेंट अबाउट द वे समवन लुक्स और बिहेव, जैसे कैसे आप बात करते हो, कैसे आप बिहेव करते हो, वो उस पे हर्टफुल कमेंट, इमिडिएट इनप्रोप्रिएट सेक्सुअल कमेंट, बुली होने वाले बंदे पे एक सेक्सुअल कमेंट करना, और टॉन्टिंग मतलब उसको तंग करना, उसको पो करना, उसको परेशान कर देना, थ्रेटनिंग टू कॉज हार्म, उसको धमकी देना कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये होता है वर्बल बुली के सिम्टम्स। अब आते हैं तीसरे पे, सोशल बुली पे। तो सोशल बुली का पहला है इग्नोर, कि उस बंदे को आप इग्नोर करो 1 महीने 6 साल के लिए, या जब तक उनका बुली करने वाले का मन करे। और टेलिंग अदर्स नॉट टू बी फ्रेंड विद समवन, ये मेरे साथ हुआ है। और स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट समवन कि उसका इसके साथ चक्कर है, उसका इसके साथ चक्कर है, ह्यूमर्स मतलब झूठी अफवाह। डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती और रिलेशनशिप को तबाह कर देना। एम्बेरेसिंग समवन इन द पब्लिक, किसी को एम्बेरेस करना पब्लिक में। शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इमेजेस दैट विल हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन अदर पर्सन, ये भी मेरे साथ हुआ है। मतलब किसी के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाना जो कि उस बंदे ने की नहीं है, और फिर भी उस बंदे का नाम पता नहीं हवा से आया, ज़मीन से आया, या बीच में आया। तो ये टेलिंग लाइज और स्टोरीज अबाउट समवन टू मेक अदर नॉट लाइक देम, मतलब हवा फैला देना, फेक न्यूज़ फैला देना उसके बारे में कि जो कि उनको पता नहीं होते हुए भी पता लग जाए और लाइक ना करें आप पे। तो ये है सोशल बुलिंग। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, कब कहाँ क्यों हुआ बुली। इंग्लिश में बोले तो व्हाई व्हेन एंड वेयर डज बुली हैपन। तो ये बात है मेरी पर्सनल, आपको बता रहा हूँ, किसी और को बताना मत। मेरे साथ 3 बार बुली हुए हैं। जी हाँ, नहीं 3 नहीं, बहुत स्कूल टाइम में बहुत बार मेरे साथ बुली किया गया है मेरे अपने दोस्तों ने, शायद वो वीडियो ये देख रहे होंगे। तो मान लो कि आपका और मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 5-6 लोग हैं, नहीं पा हाँ 5-6 लोग हैं मेरे को मिला के। तो मैंने एक अफवाह फैला दी कि पता नहीं कुछ ना कुछ तो था कि इस हिस्से में अफेयर है, जैसे बच्चे कहते नहीं है कि इस हिस्से अफेयर है, बता दे जिसको बताना है। तो पहली बार तो ये हुआ, चलो पहली बार हुआ तो बंदे ग्रुप वालों ने क्या किया कि ग्रुप वालों ने ना ये मेरे को बहुत बॉयकॉट कर दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने ग्रुप वाले अलग रहते थे, मैं साइड में अलग रहता था, और ये जो शक्ल में जो उदासी देख रहे हो ना आप लोग, ये इस दिन के लिए बचा कर की थी। और मतलब ये सीन था 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये था। और एक और बुली हुआ था, एक और बुली ऐसे हुआ था कि मान लो सेम इंसिडेंट, लेकिन सिचुएशन कोई और थी, और सिचुएशन या आदमी
सेम लोग सेम जगह, वो लोग ग्रुप बना के अपना बना रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग। मैं प्लानिंग प्लॉटिंग कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी गलती है ना, मैं कहूँगा उनकी गलती है। प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो लोग कर रहे कुछ ना कुछ, फलाना ढिमकाना। और मेरे को छोड़ दिया था सर ने, मारे ने, घुटने, और भी बहुत कुछ करने। तो ये था दूसरी बारी। तीसरी बारी, तो तीसरी बारी भी ऐसे कुछ हुआ था। मतलब एक बहुत ही पागल लड़का कहूँगा, बहुत ही पागल, नाम नहीं लूँगा, ना ही मेरे को पता है, ना ही मैं लेना चाहूँगा। लड़का नहीं, लड़की, एक लड़की की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। और उस दोस्ती के दौरान 19 साल की दोस्ती हमारी टूट गई। टूटने के दौरान मैंने ये सोच लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। लड़की का नाम मैं नहीं लूँगा, लड़के का नाम भी मैं नहीं लूँगा। और यार, और हाँ, जो लड़की थी और जो लड़का था वो अच्छी तरह से बॉन्डिंग में थे, और मैं भी, मतलब समझे हो ना, ट्रायंगल में घुस रहा था मैं। तो ये हुई है मेरे साथ, सेम जो लोगों ने, सेम जगह, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर, मेरे को नहीं पता कौन है वो, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं उस टाइम की, ये है बात 2016-17 की, 2017-16 में मेरे साथ हुआ। और ये फैक्ट है कि मेरे साथ फिजिकल बुलिंग, सोशल बुलिंग, वर्बल बुलिंग, तीनों एक ही मोमेंट में मेरे साथ हुई है। और जब मैं अभी उनसे पूछता हूँ, मतलब कभी भी उनसे पूछता हूँ मिलने के बाद, कि तो तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने मेरे साथ किया था तो मेरे को कैसा लगता था, वो लोग कह रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही आंसर होता था सेंटेंस में, कि भाई हमने तेरे साथ कब किया। मतलब इतना टुच्चा सा सवाल, मतलब जवाब, इतना टुच्चा सा जवाब कि हम, मतलब हमने तेरे साथ ऐसा कब किया, वो खुद ही भूल गए। और यहाँ पे मेरे तो दिमाग में जो ठोकर लगी है, जो ठोकर लगी है, उसका क्या, उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ सोचा। जो मेरे दिल का तो जाने दो, दिल में अपने जाने दो, दिल की बात फिर कभी करेंगे। जो मेरे दिमाग में जो ठोकर लगी है, जिसकी वजह से मैंने अपना स्कूल छोड़ा, मैंने अपना वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी, उसका क्या, उसका कुछ नहीं, सब उनका क्या, क्यों? इफेक्ट ऑफ बुली के 4 लेवल होते हैं जी जी हाँ, 4। तो मैं आपको धीरे 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 समझाऊंगा कि क्या होता है 4 लेवल में, और आपको क्या करना चाहिए, और आपको कैसे लड़ना चाहिए उन 4 लेवल से। पहले आते हैं किड हु आर बुलीड, जो बच्चे बच्चे जो बुलीड है, मतलब बुली किए जा रहे हैं दूसरे बच्चों के वजह से, मतलब वजह से कह लो या किसी बात से। पहला पॉइंट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंक्रीज फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लोनली, चेंज इन स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी दे यूज टू एंजॉय, दीज इशू मे बी परसिस्ट इन टू अडल्टहुड। सेम मेरे साथ हुआ है, आई कैन रिलेट कि मेरे साथ क्या होगा, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है, आई रिपीट। और दूसरा पॉइंट, हेल्थ कंप्लेंट। पहले मैं हेल्दी था, 80 किलो इसका था मैं। अब मैं इंस्टाग्राम में, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो, अभी मैं हूँ 70 किलो का। ड्यू टू दैट शेट, ड्यू टू बुली शेट, आई डिक्रीज माई वेट।
इंक्रीज एकेडमिक अचीवमेंट GPA एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर एंड स्कूल पार्टिसिपेशन दे आर होप लाइकली टू बी स्किप मिस और ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो भाई लोग किड हु आर बुलीड ये मैं ही हूँ। दूसरा पॉइंट जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों एक लड़का दूसरे लड़के को बुली करते हैं, तो पहला दूसरा पॉइंट है किड हु बुली अदर, मतलब अदर जो बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करते हैं। पहला पॉइंट अब्यूज एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स इन एडोलसेंस एज एडल्ट, मतलब हानिकारक चीज़ों का सेवन करना जैसे नशा ड्रग्स हीरोइन उसका सेवन करना। आई एम श्योर कि वो नहीं करते, आई एम श्योर कि मेरे वो नहीं करते, आई एम श्योर 110% श्योर। दूसरा गेट इन टू फाइट वैंडलाइज प्रॉपर्टी ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, दूसरा तो वो डेफिनेटली करते हैं, मैंने खुद एविडेंस किया है। और गेट इन टू फाइट लिख के दे सकता हूँ मेरे साथ हुआ है, वैंडलाइज प्रॉपर्टी हुआ है, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ये भी हुआ है। वो दूसरे बच्चों को बुली करने के पता नहीं वजह से क्या केस रीज़न था, फलाना रीज़न था ड्यू टू नॉनसेंस शिट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तीसरा एंगेज इन अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब समझे गए होंगे, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी अब्यूजिव टूवर्ड देयर रोमांटिक पार्टनर स्पाउस और चिल्ड्रन एज अडल्ट, मेरे को लगता है कि उनके घर में होता होगा, मेरे को लगता है। अब शायद वो देख रहे होंगे तो बताओ यार। और तीसरा बाईस्टैंडर, इसका मतलब ये है कि किड हु विटनेसेस बुली आर लाइकली टू, भाई लोग मैं ऐसा नहीं हूँ ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ, इंक्रीज यूज ऑफ टबैको एल्कोहल और अदर ड्रग्स, ऐसा नहीं हूँ, फिकर नॉट। दूसरा हैव इंक्रीज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, हाँ दूसरा पॉइंट है मेरे वैलिड, मेरे अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हूँ मैं, एंग्जाइटी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है यार, पता नहीं, आगे चल के बता दूँगा। मिस और स्किप स्कूल, 2 साल मैंने ड्रॉप किए, तो 2 पॉइंट मेरे अंदर बाई स्टैंडर्ड, 1 पॉइंट मेरे अंदर नहीं है, तो फिकर नॉट, आपका भाई सेफ है। चौथा और सबसे डरावना, ये कहता है कि मीडिया रिपोर्ट ऑफन लिंक बुलिंग विद सुसाइड, हाउएवर नॉट यूथ हु आर बुलीड डोंट हैव थॉट्स ऑफ सुसाइड और इंगेज इन सुसाइडल बिहेवियर। ये कहता है कि बुली को ऑफनली सुसाइड के क्या लाते हैं, और ये भी कहता है कि नहीं भी आते हैं ऐसा कह सकते हो। और दूसरा पैराग्राफ ये कहता है थ्रू किड हु आर बुलीड आर रिस्क ऑफ सुसाइड, बुली अलोन इज नॉट द कॉज, मैनी इशू कंट्रीब्यूट टू सुसाइड रिस्क इंक्लूडिंग डिप्रेशन प्रॉब्लम्स एट होम एंड ट्रामा हिस्ट्री एडिशनल स्पेसिफिक ग्रुप हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड इंक्लूडिंग अमेरिकन इंडियन एंड अलास्कन नेटिव एशियन अमेरिकन LGBT कम्युनिटी, LGBT यूथ कम्युनिटी भी कह सकते हो,
दिस रिस्क कैन बी इंक्रीज फर्दर वेन दीज किड आर नॉट सपोज बाय पेरेंट्स पीयर्स एंड स्कूल. बुलिंग कैन मेक एन अनसपोर्टिव सिचुएशन वर्स. डेट लास्ट रिवाइव 17 कह रहा हूँ 12 सितंबर 2017. तो ये कह रहा है गूगल बाबा की रिपोर्ट. के लिए बस इतना ही. और आपको पता है क्या करना है, कर दो नीचे, कर दो. अच्छी लगी क्या करना है, कमेंट करना है. और हाँ, सब्सक्राइब का बटन इधर उधर इधर कहीं तो आ रहा होगा स्क्रीन पे, दबा के जाना क्योंकि यार अच्छा लगता है. ठीक है, सेफ सेफ से होम.